किरण महतारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। परिवर्तन यात्रा में महतारी की फोटो को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, तो वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा से पहचाने जाने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ढोंग है, पहले फोटो नहीं लगा रहे थे, अब फोटो लगा रहे हैं, बीजेपी को किसने ये अधिकार दिया है। जो परिवर्तन यात्रा है ये ढोंगी का है, ये बोर्ज जनता पार्टी आज 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो नहीं लगा रहे थे, कल वहां दंतेवाड़ा में फोटो लगाएंगे, इनके कौन अधिकार दिया है? 15 साल कौन रोका था, क्यों उनको नहीं किए? हमारा बात को सीने का काम कर रहा है, इसलिए हम जनता को बीच में आपके टीवी के पेपर के माध्यम से बोलेंगे। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सियासत तो आप देख ही रहे हैं, और इसी दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। बीजेपी को सबसे पहले झीरम घाटी जाना चाहिए, वहां की भूमि को नमन कर परिवर्तन यात्रा निकालना चाहिए। 15 साल में उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी की याद नहीं आई, तो ये बड़ा बयान दे दिया। एक तरफ मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया और एक तरफ परिवर्तन यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया है। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं, अच्छा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी, बयान दोनों हमने सुनवाए, मंत्री कवासी लखमा का और पीसीसी चीफ दीपक बैज का। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासत गरमाना कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही देखने को मिल रहा है जब कांग्रेस बीजेपी पर इसी मुद्दे को लेकर हमेशा से हमलावर हो रही है। और अब एक बड़ा बयान सामने आता है, किस प्रकार से इस बयान के मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल, संस्कृति देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी महतारी को लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। चाहे प्रदेश में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान की बात कर लें, लगातार कांग्रेस जो है हर मंच में इस छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करते नजर आ रही है। और एक बार फिर से अब बीजेपी जो है वो छत्तीसगढ़िया महतारी को अपने साथ लेकर चलने की काम कर रही है। जो आज रथ को, जिस रथ को पूजा अर्चना करके जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रवाना किया, उस पर बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़िया महतारी और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। और इस पर ही जो है बीजेपी के ऊपर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा है और कहा है कि 15 सालों तक इन्हें छत्तीसगढ़िया महतारी की याद नहीं आई और अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तब ये छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी जो है वो एक अहम मुद्दा बन रहा है छत्तीसगढ़ में राजनीति को लेकर। छत्तीसगढ़वाद और छत्तीसगढ़ महतारी, इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी आगे चल रही है और साथ ही साथ अब बीजेपी भी इसी राह पर जो है आगे चलते नजर आ रही। जी संस्कृति, निश्चित रूप से। और अब चुनाव भी नजदीक है और इसको लेकर अब सियासत कम होते तो नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया गौरव। तो ये देखिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में जो निकलने वाली है उसको लेकर अभी से सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इसको लेकर कहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन यात्रा का आगाज कर से करने वाली है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह कल दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, लेकिन इसको लेकर सियासत गर्माते नजर आ रही है। और चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय से ठाकुर हमारे साथ जुड़े, तो वहीं बीजेपी से मुकेश शर्मा प्रवक्ता हैं जो, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए जिस हिसाब से ये बयान सामने आए हैं दोनों तरफ से, मंत्री कवासी लखमा और बात करें पीसीसी चीफ दीपक बैज के, दोनों ही बीजेपी पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर शुरू से ही हमलावर होते आ रही है कांग्रेस बीजेपी पर। क्या बयान के मायने निकाले जाए? जिस हिसाब से कहा है कि झीरम घाटी पर जाइए और वहां जाके पहले उस धरती को नमन कीजिए, उसके बाद परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, आपसे पूछना चाहूंगी।
देखिए निश्चित तौर पर परिवर्तन दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ मातारी की जयकारा नहीं लगाए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कुचलने काम किए, छत्तीसगढ़ियावाद को कुचलने काम किए, छत्तीसगढ़ बोली भाखा और रहन खान पान सहन परंपरा संस्कृति को कुचलने काम किए थे, आज उनको छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर अपने परिवर्तन यात्रा के रथ में लगाना पड़ रहा है। यही परिवर्तन है और यही भूपेश बघेल सरकार की जीत है, जो हमने 5 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ मातारी का मान सम्मान बढ़ाया, छत्तीसगढ़ के राजगीत बनाया, छत्तीसगढ़ के रहन सहन परंपरा तीज त्योहार को ऊंचाइयां देने काम किया, छत्तीसगढ़ के जो मान सम्मान को बढ़ाया, आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने रथ में मातारी की फोटो लगाने मजबूर हुई है। जी धनंजय, इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ मातारी को सम्मान नहीं दिया? निश्चित तौर पर कहीं सम्मान नहीं दिया। अभी इनके प्रदेशीय प्रभारी है नितिन नवीन, वो छत्तीसगढ़ में आकर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की मातारी की मूर्ति लगाने से क्या होगा। आज उसी नितिन नवीन को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने रथ के यात्रा में जब छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति लगा रही है, इसका तो सबसे पहले नितिन नवीन को माफी मांगना चाहिए। और परिवर्तन यात्रा जो कांग्रेस निकाला था, जहाँ पे झीरम में कांड हुआ था, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपने सुना क्या कहा धनंजय जी ने, और सीधे साफ तौर पे ये कहा है कि कभी मतलब बीजेपी ने सम्मान ही नहीं किया है छत्तीसगढ़ मातारी का, आपका रिएक्शन? तो देखिए धनंजय सिंह ठाकुर जी को ये समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बनाया तो छत्तीसगढ़ के बात करना शुरू किए, उसके पहले इनके नेता कहाँ थे, उनको छत्तीसगढ़ की याद तो नहीं आती थी, ये तो छत्तीसगढ़ की बात भी नहीं करते थे। अब ये बात कर रहे हैं बाहरी की और ये वो, अरे भाई जब राज्यसभा में अब तक भेजना होता है तब फिर छत्तीसगढ़ियों की याद क्यों नहीं आती? फिर आपको बिहार से दिखते हैं, दूसरे प्रदेशों से लाके आप राज्यसभा सदस्य बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इनको अब लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में परिवर्तन का माहौल बन गया है और छत्तीसगढ़ के अंदर में लोग ये आवाज आ रही है कि बदलबो ये तारी छत्तीसगढ़ के सरकार ला बदलबो, और इस प्रकार की बातें निकल रही है, इनको समझ में आ गया कि इनके जमीन खिसक गया है, जनता का विश्वास खो दिया है इन्होंने, तो ये एनर्गल बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अरे भाई आप सरकार में हो, आप अपनी उपलब्धि बताइए, रिपोर्ट कार्ड बताइए, चुनाव आने वाला है, ऐसे समय में आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, चलिए समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आप दोनों ने ही अपनी बातचीत रखी, अपना पक्ष रखा, और इसको लेकर सियासत कब थमेगी ये तो आगे देखना होगा छत्तीसगढ़ मातारी को लेकर। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहें, लगातार बने रहें बंसल।